निष्कासित किए गए जगजीत सिंह बरार आज मोगा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने 1857 के गद्दर में गद्दारी की, जिन्होंने जंग हुए एंग्लो सिख वार उसमें पटियाला घराने में अंग्रेजों के साथ दिया, जिन्होंने जंगे आजादी की लहर में अंग्रेजों की तोड़ी बने, जो लोग राष्ट्रीय और देशभक्तों के विरुद्ध रहे, हमारा रजवाड़ों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की स्टेट बड़ी हार है, साल 2007 में हार गए, साल 2012 में हार गए और अब 2017 में भी हारने जा रहे हैं, साथ ही कई आरोप लगाए। आइए सुनते हैं। रजवाड़ा शाही अमरिंदर सिंह, जिन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने 1857 के गदर में गद्दारी की, जिन्होंने जंग हुए जो एंग्लो सिख वॉर्स उसमें पटियाला घराने ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने जंगे आजादी की लहर में अंग्रेजों के टोडी बने, जिन्होंने मलेरकोटला में नामधारी जो तोपों से उड़ा दिए गए, वो पटियाला घर की तोपें थी, सारा नामधारी इतिहास लिखा हुआ है। तो जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध रहे, जो लोग देशभक्तों के विरुद्ध रहे, जिन्होंने सेवा सिंह ठीकरीवाल, जिनको भूखड़ ताल रख के जिन्होंने ठीकरीवाल गांव के किसान शहीद प्रजा मंडल मूवमेंट के, उनको जेल में मारा रजवाड़ों ने, हमारा रजवाड़ों से और परिवारवाद से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस पार्टी दी स्टेट्स बहुत हाई में 2007 झारगे 12 झारगे 17 च भी वो हरन जा रहे हैं, मगर आपदा पूरा जोर ला के 30 सीटा 25 सीटा अकाली कांग्रेस ने भी ले जाने, बाकी रह गई 55-60 सीटा। हुन 60 सीटा चो कोई भी एक पार्टी 57 सीटा नहीं जीत सकती, इस करके जरूरत है कि ग्रेटर अलायंस। देखो, एक पार्टी को हराना होता तो मैं आपकी नवी पार्टी भी गठन कर लेना, अगर केवल कांग्रेस को शिकस्त देनी होंगी मैं अपनी कांग्रेस के उत्ते उम्मीदवार खड़े कर देना, लेकिन अकाली दल ते कांग्रेस को समूहिक तौर पर हराना वो विचार सिद्धांत और महागठबंधन नाल ही है। आपने सुना, एक तरफ कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता ही जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में बरसों रहे जगमीत सिंह बराड भी अब कांग्रेस की कमजोरियां जनता को बताने लगे हैं। यह थी मोगा से विपिन ओकारा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.sikhvoiceofindia.net।